बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड सिक्स स्टूडेंट्स, लेक्चर वी विल डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 8A ऑफ यूनिट नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू अलजब्रा। डेट इज 16 दिसंबर 2020 एंड डे इज वेनसडे। एक्सरसाइज नंबर 8A, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द फॉलोइंग एज अलजब्रिक एक्सप्रेशंस। आपके पास बेटा स्टेटमेंट्स गिवन है, उनको आपने अलजब्रिक एक्सप्रेशंस में लिखना है, ठीक है। योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज द सम ऑफ पी एंड क्यू। सम मीन्स एडिशन, पॉजिटिव साइन यूज करना है, पी और क्यू को आपने सिंपली ऐड करना है, तो आंसर आपके पास है पी प्लस क्यू। सेकेंड स्टेटमेंट आपके पास है द डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन, नेगेटिव साइन ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना है स्मॉल ए एंड स्मॉल बी का, ठीक है। तो आप सिंपली आंसर में लिखेंगे ए माइनस बी। और कंडीशन आपके पास है ए इज़ ग्रेटर, ए आपके पास ग्रेटर है, बड़ा है, देन बी स्मॉल बी से स्मॉल ए ग्रेटर है, तो ए को आप पहले लिखेंगे, जो ग्रेटर नंबर है सब्ट्रैक्शन में वो पहले लिखा जाता है, तो ए माइनस बी। थर्ड पार्ट आपके पास है टू थर्ड्स ऑफ एक्स एडिड टू टू वाई। टू थर्ड मीन्स टू डिवाइडेड बाई थ्री ऑफ एक्स एज इट इज़। एडिड की प्लेस पर आप पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे, टू वाई एज इट इज़। 2 बाई थर्ड ऑफ एक्स एडिड मीन्स ऐड करना है आपने 2y के साथ, ठीक है। 2 बाई थर्ड ऑफ एक्स का मतलब है ऑफ मल्टीप्लीकेशन साइन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो सिंपली 2 बाई थ्री एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप लिखेंगे 2 बाई थ्री एक्स पॉजिटिव साइन 2y, ये आंसर है आपके पास। फोर्थ पार्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन, एडिड टू देयर सम, ठीक है बेटा। आपके पास प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन, सम है, सिंपली आपने ऐड करना है, फिर प्रोडक्ट और सम को भी आपने ऐड करना है। बेटा आपके पास दो वेरिएबल्स हैं m n, सबसे पहले आपने इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है, फिर इन दोनों को आपने ऐड करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपके पास है m n, ठीक है। प्रोडक्ट के सामने देखिए मैंने लिखा है m n, एडिट का वर्ड बीच में लिखे, ठीक है। देयर सम, सम मीन्स एडिशन, आपने m और n को ऐड भी करना है। अब इसको कंबाइन किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे प्रोडक्ट m n, ठीक है। एडिट की प्लेस पे आप लिखेंगे पॉजिटिव साइन और लास्ट में आपने सम लिखना है m प्लस n, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर है, प्रोडक्ट को आपने सम में ऐड किया। फिफ्थ पार्ट आपके पास है द डिफरेंस ऑफ 2p एंड 3q। डिफरेंस अगेन आपके पास सब्ट्रैक्शन, एक कंडीशन है बेटा आपके पास 2p इज लेस देन 3q। 2p लेस देन यानी कि 2p एक छोटी वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू है 3q से, ठीक है। तो जो छोटी वैल्यू होती है बेटा उसको एंड में लिखा जाता है और जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसको स्टार्ट में लिखा जाता है, ठीक है। तो 3q माइनस 2p, 3q आप पहले लिखेंगे क्योंकि ये ग्रेटर वैल्यू है और 2p बाद में लिखेंगे क्योंकि ये स्मॉलर वैल्यू है, ठीक है। तो 3q माइनस 2p। सिक्स पार्ट इज 3 टाइम्स स्मॉल a एडिड टू 4 टाइम्स b। 3 टाइम्स a मीन्स 3a, ठीक है। एडिड की प्लेस पे एडिशन साइन, 4 टाइम्स b मीन्स 4b। 3a, 3 टाइम्स a एडिड टू 4 टाइम्स b, 3a प्लस 4b, बेटा आपके पास ये आंसर है। सेवन्थ, द सम ऑफ m एंड द कोशेंट ऑफ n डिवाइडेड बाई 2। बेसिकली बेटा आपने सम ऐड करना है, फर्स्ट वैल्यू आपके पास m है और सेकेंड वैल्यू आपके पास है n डिवाइडेड बाई 2। n डिवाइडेड बाई 2 मीन्स n बाई 2। फर्स्ट वैल्यू इज m, सेकेंड वैल्यू इज n डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों वैल्यूज को आपने सिंपली सम करना है, ऐड करना है। एट पार्ट आपके पास है द कोशेंट ऑफ a एंड b, स्मॉल a एंड स्मॉल b। बेटा कोशेंट आप तब कैलकुलेट करते हैं जब आप a को b से डिवाइड करते हैं, आगे ये चीज़ मेंशन है, व्हेन a इज़ डिवाइडेड बाय b। जब आप a को डिवाइड करेंगे b से तो आपके पास कोशेंट कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम आपके पास है a डिवाइडेड बाय b, आपने बेटा इसको ऐड करना है, ऐड करने के लिए आप पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। अब एडिशन के लिए सेकेंड वैल्यू आपके पास क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। जो लेटर्स आपके पास हैं उनकी आपने प्रोडक्ट या उनको मल्टीप्लाई आपने करना है, ठीक है। जब a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ए बी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू आपके पास है a डिवाइडेड बाई b और सेकंड आपके पास प्रोडक्ट है a b का, a और b को आप मल्टीप्लाई करें, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है, ठीक है। और ऐड करने के लिए आप पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। आई एक्स पार्ट आपके पास है वन थर्ड ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ x एंड y। वन थर्ड ऑफ x मीन्स बेटा 1/3x, वन थर्ड ऑफ x 1/3x। मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लीकेशन साइन यूज़ करेंगे। सेकेंड वैल्यू आपके पास है डिफरेंस ऑफ x एंड y। डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन, x और y को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो x माइनस y। फर्स्ट वैल्यू आपके पास है वन थर्ड ऑफ x यानी 1/3 ऑफ x और सेकेंड आपके पास है डिफरेंस ऑफ x एंड y, x माइनस y, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। एक्स एंड लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा, 3/4 ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ 2p एंड 5q। सेम आई एक्स पार्ट की तरह है,
थ्री फोर्थ ऑफ एक्स का मतलब है 3/4 x, ठीक है, 3/4 और मल्टीप्लाई आपने x के साथ करना, ठीक है। मल्टीप्लाइड करना है तो मल्टीप्लिकेशन साइन यूज़ करेंगे। सेकंड वीडियो आपके पास है डिफरेंस ऑफ 2p एंड 5q। एक कंडीशन गिवन है कि 2p लेस देन है 5q से, यानी 2p एक स्मॉलर वैल्यू है तो इसको आप लास्ट में एंड पे लिखेंगे, और 5q ग्रेटर वैल्यू है तो इसको आपने बेटा स्टार्ट में लिखना है और इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास है 3/4 ऑफ एक्स और सेकंड वैल्यू है 5q - 2p, डिफरेंस ऑफ 5q एंड 2p, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज नंबर 8a, क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन सेपरेटली द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है बेटा। आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, उसमें टर्म्स हैं, उनको आपने सेपरेट करना है, और सेपरेट करने के लिए आप कॉमा यूज़ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एक्सप्रेशन आपके पास है a+b - 2c। इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं आपके पास, फर्स्ट टर्म स्मॉल है, सेकेंड टर्म प्लस बी, और थर्ड टर्म आपके पास -2c। फर्स्ट टर्म आप लिखेंगे स्मॉल है कॉमा, सेकेंड टर्म प्लस बी कॉमा, थर्ड टर्म और लास्ट टर्म -2c। तो ये आपने टर्म्स को सेपरेट किया है कॉमा यूज़ करके। सेकेंड एक्सप्रेशन आपके पास है -2xyz - 3xy+z। फर्स्ट टर्म लिखिए -2xyz कॉमा, सेकेंड टर्म आपके पास है -3xy कॉमा, लास्ट और थर्ड टर्म आपके पास है +z। थर्ड एक्सप्रेशन आपके पास है ab+2fgh - af² - bg² - ch². 5 टर्म्स हैं, इनको आपने सेपरेट करना है। फर्स्ट टर्म लिखिए abc कॉमा, सेकेंड टर्म +2fgh कॉमा, थर्ड टर्म -af² अगेन कॉमा, फोर्थ टर्म आपके पास है -bg² और लास्ट टर्म आपके पास है -ch². आपने टर्म्स को सेपरेट करना है और कॉमा साइन यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट डाउन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, फिर इसमें अपना एक्सप्रेशंस को लिखना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में जो टर्म्स आपके पास हैं a-3b, 4c, इन टर्म्स को आपने कंबाइन करना है और एक एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म लिखेंगे, कॉमा को रिमूव करना है, सेकेंड टर्म -3b और थर्ड टर्म आपके पास है +4c, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन में कॉमा यूज़ नहीं करते। सेकेंड में जो टर्म्स आपके पास हैं -5abc - 7bcd, 3abd, एक्सप्रेशन आपने लिखना है। फर्स्ट टर्म लिखिए -5abc कॉमा रिमूव, सेकेंड टर्म -7bcd, लास्ट टर्म के साथ कोई साइन नहीं, आप पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे, +3abd। थर्ड पार्ट आपके पास है 3u - 1/2gt, इसमें दो ही टर्म्स, इनको आपने कंबाइन करना है, तो एक्सप्रेशन आपके पास बनेगा 3u - 1/2gt। एक्सरसाइज 8a का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आपने नीट कॉपी पर कंप्लीट करना है।